अल्लाम प्रोग्राम अपना अपना गैरबान में मती उल्ला जान आखिर वो दिन भी तकरीबन आ ही गया उनतीस नवंबर या अट्ठाईस नवंबर का जिसका शायद बहुत से सियासतदानों का इंतजार था आ, मगर इसके साथ साथ कुछ सियासतदानों को इसकी तो नहीं थी मैं बात कर रहा हूँ अट्ठाईस नवंबर को जनरल राहि शरीफ की रिटायरमेंट के हवाले से आज फौज के तर्जमान की तरफ से एक जो तो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि लाहौर में आर्मी चीफ जनरल वाहिद शरीफ ने अपनी अब मुलाकातों का आगाज कर दिया है और एक बहुत बड़े लाहौर गैरिजन के एक दरबार में उन्होंने फौजियों से खिताब भी किया इस हवाले से तो ये वो दिन था जो कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ही अहम रहा है शायद ये इतफाक़ ही है कि 40 साल की तारीख में पहली बार एक आर्मी चीफ है बहुत ही बगैर किसी तनाज़े के अपनी तीन साल की मदत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं जनरल राहि शरीफ से पहले जनल क्या थे जिनकी तीन साल की मदद जब पूरी हुई थी तो उनको मजीद तीन साल की एक्सटेंशन दे दी गई थी और जनक यानी से पहले जनल मुशरफ थे जिनको बारह अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे को जब बरतरफ किया गया तो उन्होंने बगावत कर दी थी और दस साल तक इस मुल्क पे मुल्क के इतदार पे काबज रहे और जनल मुशरफ से पहले जनरल जहांगीर करामत थे जिनकी किसी बात पर नाराज़ होकर बल्कि उन्होंने एक कौमी सलामती कौंसिल की तजवीज़ दी थी अमल के लिए उस पर नवाज शरीफ ने उनसे उनकी रिटायरमेंट से चंद माह पहले ही इस्तीफ़ा ले लिया था और जनरल जहांगीर करामत से पहले जनरल वहीद काकड़ थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उन्नीस सौ तिरानवे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज़ शरीफ की बरतरफ हुकूमत को बहाल किए जाने के बावजूद नवाज शरीफ पर इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला और नवाज़ शरीफ से और उस वक्त के सदर गुलाम खान दोनों से ही इस्तीफ़ा लिया था और जनरल वही काकड़ से पहले जनरल मिर्जा असलम बेग थे जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन्नीस सौ नब्बे के इंतबार चोरी किए अपने उस वक्त के आई एस आई और एम आई के आला अफसरान के साथ मिलकर और ये बात कोई हम नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में भी ये बात कही गई और इंतखबार उन्नीस सौ नब्बे के चोरी होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में की और जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से पहले सब जानते हैं जनरल ज़ियाउल हक थे जिन्होंने दस साल इस मुल्क के इतदार पर कब्ज़ा रखा और अपने आमरीत के जाहो जलाल दिखाए उन्नीस सौ सतर में उन्होंने वजी अजमज जुल्कारली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो ये कहना गलत ना होगा कि चालीस साल की तारीख में जनरल राहिद शरीफ शायद पहले फ़ौज के सरबरा हैं जो बगैर किसी तनाज़े के बगैर किसी सियासी तनाज़े के और किसी इज़ाम के वो अपनी मदत मलाजमत पूरी करके बाजत तौर पर रिटायर होकर घर जा रहे हैं और उनसे शायद कोई ऐसा तनाज़ा जुड़ा नहीं उनके तीन साल मदत से कि जो हमने जैसे पहले आपने देखा पिछले जो फौज के सरबराहान थे उनके साथ जुड़ा रहा है और इसकी वजह शायद उनकी अपनी भी एक शख्सियत थी और शायद वो पहले फ़ौज के सरबराह थे जो बतौर फ़ौज के सरबराह अवाम में भी बहुत पॉपुलर रहे अवाम में भी उनको बहुत पजीराई मिली इससे पहले कि फ़ौज के, के सरबराहान को शायद अवाम में इतनी पधी नहीं मिली जितनी जनरल राहिद शरीफ को मिली उसकी एक वजह उनके उनका ख़ानदान भी था जहाँ दो निशान हैदर हैं उनके भाई और उनके जो अपने जो कारनामे हैं इस तीन साल मुद्दत में ये भी एक वजह थी कि जनरल वाहिद शरीफ को लोग उनके जाने पर जो है यकीनी तौर पर अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं दो सियासतदान और एक फ़ौजी तजयेकार दिफाी तजयकार उनका तारफ़ कराता चलूँ हमारे साथ मौजूद हैं हुमरान जमात के चौधरी रहमान साहब जो रुकन कौमी इसम्बली हैं जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है उनके साथ तशीफ रखते हैं सैनेटर गान चंद जो कि रहनमाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर टीपू सुल्तान जो कि दिफाई तजयकारार हैं इससे पहले कि हम गुफ्तू का आगाज़ करें और ये जानने की कोशिश करें कि जनरल राही शरीफ ने जो ये अपना तीन साल दौर गुजारा है बतौर आर्मी चीफ़ उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या थी और उनके जो सिविल हुकूमत के साथ ताल्लुक थे उसमें ऊँच नीच क्या रही हम आपको सुनाते हैं कि चंद सियासतदानों ने चंद पार्लियामेंटेरियंस ने जनरल राहुल शरीफ़ की रिटायरमेंट के हवाले से कुछ अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया ज़रब अजब शुरू करके एक जो हौसला एक तकवीत दी उन्होंने कौम को उस उन हालात में जबकि टेरिज्म बड़ी रूज पे थी तो पे गुड एंड पेट फॉर हैविंग दी नेशन। इन्होंने ये साबित किया एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं राहल शरीफ साहब जो कि आने वालों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल होगी खास मेरा एक ताल्लुक था मेरे लिए वंडरफुल जॉब चीफ ऑफ स्टाफ था और हमारे लिए तो हर लम्हा हर कदम और हर कंट्रीब्यूशन हमारे नज़र के नीचे रहता था तो हर वक्त हम ये बहुत फ़ख्र महसूस करते थे उसकी परफार्मेंस पे आपने सुना चंद पार्लियामेंटेरियंस के जज्बात जनरल राहुल शरीफ के रिटायरमेंट के हवाले से गुफ्तू का आगाज करेंगे चौधरी असदरमान साहब से जनरल अब्दुल्क बलोच साहब तो कह रहे थे बड़े फ़ख्र की बात है यकीनी तौर तो पर हुकूमत और, और हुक्मरान जमात के लिए फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे आर्मी चीफ़ जिन्होंने तीन साल तक बहुत सारे मामलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया कौमी मुफाद में साथ दिया रियासत का साथ दिया तो आप अब कैसे देख रहे हैं क्या आप समझते हैं कि ये एक पोलिटिकल प्रोसेस के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो आर्मी चीफ जिसके ऊपर बहुत से सियासतदान दबाव भी डालते थे बल्कि बहुत से हमारे साथी सहाफ़ी ज़रात भी कैमरों के सामने बैठ के दुहाई डालते थे कि जनरल साहब मत जाएं मत जाएं और शेख रशीद साहब जैसे सियासतदान कहते थे कि जनरल साहब आ जाएं आ जाएं तो उनका बर वक्त रिटायर होना इसका क्रेडिट क्या आप जनरल राही शरीफ को देंगे हुकूमत को देंगे किस को देंगे देखिए जी मैं तो समझता हूँ कि सब कोई क्रेडिट जाता है और जनरल राहीी शरीफ साहब इसके खास तौर तो पर मुस्तक हैं कि जब से पाकिस्तान बना तो पहले जो पाकिस्तान के कमांडर चीफ थे जनरल ग्रेसी उनका वक्त तो मैंने नहीं देखा मैं उस वक्त बहुत छोटा था लेकिन उसके बाद जब जनरल अयूब खां पाकिस्तान के कमांडर उस वक्त कमांडर चीफ कहते थे कमांडर चीफ बने तो उसके बाद तो हर वक्त हमने उनको बार बार एक्सटेंशन मिली मिलती देखी और वो खुद को, ही, खुद को ही एक्स, नहीं पहले तो उनको एक्सटेंशन मिलती रही फिर वो खुद देते रहे, देते रहे। और फिर वो आखिर में 58 में जबकि 59 मार्च में जनरल इलेक्शंस मुल्क में ड्यू थे यानी उनका प्रोसेस शुरू हो चुका था उधर मशी पाकिस्तान में उस वक्त के मशी पाकिस्तान में सरवर्दी साहब और इधर जन अपना खान अब्दुल खयूब खान साहब को अवाम में बड़ी पिजारी पुजारी प्रिजा, मिल रही थी तो उस वक्त उन्होंने एन उस वक्त पे जब इलेक्शन होने वाले थे उन्होंने माशा लगा दिया तो इस तरह की पाकिस्तान में बहुत सारी हैं मिसालें हैं लेकिन एक शख्स का ये आ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है इस मामले में उनका एक किरदार कि उन्होंने सब माक़ होने के बावजूद इन जो मिसालें अच्छी नहीं थी उनका नहीं पैरवी अच्छा, अच्छी मिसाल कहें थोड़ी सी फात करेंगे आपने कहा कि सब मौा होने के बावजूद तो कौन कौन से मौाक़ थे कि जब वो उससे फ़ायदा उठा सकते थे कोई एक मौका मिसाल के तो जब धरना हुआ था वो समझता <स्थियों> हूँ फिर ये अभी फिर दोबारा ये 2014 का जो डी दो हज़ार चौदह तो था, था। मतलब आप लोग समझता हूँ हमें बहुत सारे मुल्क में ये खिजान था तो और आपकी हु जमात ये महसूस कर रही थी कि शायद किसी वक्त मुझे हुत का तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे तो जावेद हाशमी साहब की जो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो उनके करीबी साथी थे उनके प्रेजिडेंट थे तरीके साहब के उस वक्त के उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि ये हमारे साथ हैं तो वो उन्होंने टीवी पे कहा और सबने कहा और फिर उसके बाद ये कहना कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी और ये हालांकि हम तो समझते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में अंपायर अवाम है आप जनरल रजिश साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त पर रिटायर हो गए मैं भी शुक्रगुजार हूँ और पूरी कॉम शुक्रगुजार है अच्छी मिसाल कायम हाँ। की और अल्लाह अल्लाह करे कि ये ऐसी मिसाल अब कायम रहे और ये तो अभी तो कोई इवेंट ना हो यानी फ्यूचर में ये कोई इमिट ना हो कि एक आर्मी चीफ रिटायर हो गए ये होनी चाहिए आप कह रहे हैं आप जनरल के शुक्रगुजार हैं हाँ कि अगर वो रिटायर ना होते तो फिर आप क्या कर लेते <laughs> देखिए बात यह जी के मैं इस सिलसिले में मतलब तो मिसाल दूंगा कि हमने एक कोशिश की जिस आप जिसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो ये शुक्रिया आप उनकी बहुत सारी वजुहत है कि कॉम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए अगर इस तरह की मिसालें कुछ भी नहीं कर सकता कोई लेकिन कौम कर सकती है अगर कौम उठ खड़ी हो जैसे तुर्की की कौम उठ खड़ी हुई ना तो उन्होंने कर लिया उसके लिए पाकिस्तान में मिसाल जरा पहले कोई नहीं काम हुई अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अब ये रवायत मान जाए कि एक आर्मी चीफ आए और अपना ड्यूटी अदा करें और अपना वक्त जो है आ, चले ये, ये वक्त तो एक और सियासी जमात पे भी आया था आप किससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ज्ञान चंद जो है वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी है ज्ञान चंद आपसे सवाल करने से पहले मैं आपको आपके लीडर ने की थी उसकी एक मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कभी नहीं छोड़ा नहीं मतलब आर्जी तौर पर मतलब अब वो राइल के जाने के बाद आ रहे हैं ना तो वो जरा सुन लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं जी आसफ जरदारी साहब ने दुबई जाने से पहले क्या तकरीर फरमाई थी पूरी दुनिया में जब आप कमजोर हो रहे हो तो हम आपके शाना बशाना खड़े रहना चाहते हैं हमें पता है मुल्क क्या है हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है हम समझते हैं कि धरती क्या है हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है ये हमारा इंस्टीट्यूशन है आपको तीन साल रहना है उसके बाद आपने चले जाना है हमेशा के लिए हमने रहना है तो हमें मत तंग करो अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इन बजा देंगे सबक सदर और सबक सुप्रीम कमांडर फ्वाज पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी दुबई जाने से पहले ये तकरीर कर रहे थे ज्ञान चंद साहब ये जो जरदारी साहब ने बात की थी आपने तीन साल के लिए तीन साल बाद चले जाना है ये बात तो वैसे सही साबित हो रही है क्या कहते हैं आप देखें आ, मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो एक टें है वो पूरा हुआ और उनको जाना ही था अगर यह भी हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये डिस्क्रप्शन होती है कि उनको एक्सटेंशन दे दें अगर कोई हालात की ज़रूरत हो तो लेकिन लेकिन रूटीन में उनको तीन साल का टेन्यर पूरा हुआ उनको जाना चाहिए और वो बाजब तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देकर जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक मिसाल कायम हो रहा है जहाँ हमारे हाँ ये डर रहता है कि भाई किसी का टेन्यर पूरा हो रहा है या कोई बैठा हुआ है तो किसी भी टाइम पर वो टेक ओवर कर लेगा और एक जो हमारा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है तो राइल शरीफ साहब ने जहाँ अपने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक रिकॉर्ड अच्छा रखा है जहाँ उनकी ऑनेस्टी मशहूर है जहाँ किसी भी इंसिडेंट के वक्त वो सबसे पहले पहुँच रहे थे वहाँ उन्होंने अपने उस ऑनेस्टी को बरकरार रखते हुए जो उनको अपना टेन्यूअर था वो पूरा हुआ और ख़ुद ही अब बाखुशी रिटायर हो रहे हैं ये उनके क्रेडिट पर तो आज चौधरी असदरमान साहब से इतफ़ाक़ नहीं करते कि जनरल राजीव शरीफ साहब का रिटायर होने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की शानदार ड्यूटी की उसके लिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं, तो, नहीं, तो लिए, लिए नहीं मैं समझता हूं कि उनको टेन्योर पूरा हो चुका था अगर आ, हमारी जो भी है स्टेट की है वो समझती कि उनको एक्सटेंशन देनी है तो वो तो भी <coughs> प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार था जो एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड वजीर अजम है लेकिन लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है तो वो किस बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपके हुकूमत ने जब जनरल क्यानी साहब को तीन साल की एक्सटेंशन दी तो आज ही मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था हमद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमने जनरल क्यानी को इसलिए एक्सटेंशन दी क्योंकि उनके बाद जो आने वाले जरनेल थे वो मुशरफ के हमायती थे ये भी जरदारी साहब ने हमल मीर के इंटरव्यू में बताया कितनी मजे का बात मतलब अब ये अब ये वजह होती है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देखें की। देखें जो जरदारी साहब ने खुद अभी ये बात की हमारी जो तारीख रही है उसमें खदशात रहते हैं राहिल शरीफ साहब ने शायद कोई एक साल पहले ऐलान कर दिया एक्सटेंशन नहीं लूंगा उसके बावजूद भी क्या क्या तबसरे हो रहे थे जो आपको भी पता है मुझे भी पता है तो हम इसलिए शुक्रिया कह रहे हैं कि हमारा कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इसलिए कोई अपने टाइम पे अपनी ड्यूटी करके अपनी तरीके से उस टेन्योर पे ही जा रहा है तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इसलिए इसलिए आप आप नहीं समझते कि आपने गलती की थी मैं समझता हूँ उसके हाँ उस वक्त के हालात में जो वजीर था उसका जायज है

और ब्रेक के बाद खिताब भी कर रहे हैं फौज के जवानों से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम आबाद स्टूडियोज़ में ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान ब्रिगेडियर साहब रिटायरमेंट बर वक्त हो रही है तो इस बर वक्त रिटायरमेंट को आप कैसे देखते हैं क्या एक हमारी तारीख में ये गैरमूली हुआ क्या है देखिए सबसे पहले तो मैं जो पहले कमेंट हुए हैं उनके थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ जनरल राहुल शरीफ की जो परफॉर्मेंस है और जो उनका कंडक्ट रहा है और जो उनकी ईमानदारी है और जिस तरीके से उन्होंने रैंक अलफाइल की इज़्ज़त कमाई है जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिल में घर किया है जिसमें पाकिस्तान की खिदमत की है और जिस ख़ानदान से वो तल्लक रखते हैं उसका उसका झंडा ले कर वो आगे बढ़े हैं लोग बड़े बड़े ख़ानदानी होते हैं जी इधर बड़े बड़े पोलिटिकल ख़ानदान हैं दुनिया में जिनके सपूतों ने कुछ और किया है तो ये उन्होंने जनरल रही शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के इन हालात में फ़ौज की कमांड की है इसको हम आज रात किसी तंज़ मजा या माजी के के में हमें नहीं देखना चाहिए देखिए अगर कहा है ना जरदारी साहब ने कुछ तो मैं ये अवाम पे छोड़ता हूँ कि जरदारी साहब की इज़्ज़त अवाम के दिल में क्या है और जनरल राहल शरीफ साहब की इज़्ज़त तीन साल पाँच साल को छोड़ें उसको सही लेकिन ये सियासत लेकिन मैं मैं, नहीं नहीं उसको छोड़ नहीं पारें पारें तो एक ये, ये डिस्कस हुआ है एक इतना बड़ा पाकिस्तान का और एक पाकिस्तान का

अगर आप ईस्ट पाकिस्तान को देख लें तो उसको सिर्फ आप सियासत के टोकरे में नहीं डाल सकते या मिलिट्री डिफीट के टोकरे में नहीं डाल उसको आप छोड़ें अब आप, आप जो जनरल राहल शरीफ की जो रिटायरमेंट है और उनका जो फैसला है उन्होंने जो छः महीने पहले या आठ महीने पहले कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और आज तक सियासतदान ये कह गए कि हमने एक्सटेंशन दे भाई तुमसे किसे मंगी है एक्सटेंशन जो तुम नहीं दे रहे हो मतलब ये है कि एक आदमी जिसने आपके मुल्क में परफॉर्मेंस वो दी है जो एक एक शायान शान है एक फ़ौज के चीफ के जिन जिन लोगों ने हकूमत पर कब्जा किया या आइ ने पाकिस्तान को रौंदा जाहिर है कि उनको अप्रूव आप नहीं कर सकते लेकिन एक एक ट्रडिशन पड़ी है पहले पाँच साल पीपल पार्टी ने मुकम्मल किए हैं अब तीन साल इस सा हुकूमत को हो गए एक कमांडर इन चीफ एक इतना बड़ा बेटा पाकिस्तान ने पैदा किया राहल शरीफ जिसने दुनिया में जो है वो करके दिखाया काम जो बाकी नहीं कर सके और जिसने पाकिस्तान को दहशत गर्दों से तकरीबन पाक कर दिया है और एक ये झंडा जो है आगे लेके चले जो अगला चीफ होगा वो अगर इसी तरह इसी इसी झील से चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा तो मेरे ख्याल में, में मेरे ख्याल में मैं एक एक और बात में कहना चाहता तो ये जो यहाँ पे मजाक बना है जी शुक्रिया अदा करने का या ना करने का मैं आपको एक रवायती बात बताता हूँ कौमें जो अपने सोल्जर्स की इज्जत करती हैं ना जी आप जाते हैं किसी किसी रिटायर्ड फौजी को मिलते हैं या सर्विंग फौजी को मिलते हैं Yes. स्पेशली जो उसको आप हाथ में लाते हैं अदा करते हैं जान पे उसको मिशन दिया गया उसने वो पूरा किया इसलिए अगर पूरी कौम जनरल राहुल शरीफ साहब का शुक्रिया करे तो वो बजा है हमें जनरल राहुल शरीफ पे फख्र है और पूरी दुनिया को पूरे मुसलमानों को फख्र है उन्होंने ऐसा नाम पैदा किया कि उनको आप ये तंजो मजा में या माजी के ने उसमें नहीं कर तंजो सकते तंजो मजाक की बात नहीं है ये एक हमारा तल्ख तारीख है उससे हमें नजर नहीं चुरानी चाहिए बिल्कुल नहीं चुरानी देखिए मैं ये बड़ी तल्ख तारीख है जब कोई ये कहे कि जनरल साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया उनका शुक्रिया क्योंकि

और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान का होता है वो दूसरी दुनिया के आर्मी चीफ से मुख्तलिफ इसलिए है कि पाकिस्तान के हालात हमेशा ही नागुफ्ता बेहे हैं पाकिस्तान आर्मी को हमेशा बाहर से और अंदर से थ्रेट रहा है और पाकिस्तान आर्मी का जो मैंडेट है जो आइन पाकिस्तान के तहत है जो हमारा सुप्रीम कानून है उसमें यह कहता है कि ये अफवाज पाकिस्तान बैरूनी ख़रात और अंदरूनी ख़तरात से तो में, में। फौज का सरबरा जो है वो हकूमत कब्जा कर लेगा तो लोग खुद पोलिटिकल पार्टी ऊपर निकलते लेकिन मैं जनरल शरीफ साहब की आपको बात उन्होंने जो दाखबेल रखी है ना जी एक तो उन्होंने फौज को बहुत अच्छा ट्रेन किया एक फौज को उन्होंने आगे बढ़कर एक फ्रंट से लीड किया एक फौज को शार्प और नडर बनाया और एक फौज को ऐसी जगह पे ला के खड़ा किया कि आज अब हमारी फ़ौज हम सब की फौज है आपकी भी फौज है मेरी भी फौज है मेरा भी वज़ी अजम है आपका भी है मेरी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपकी भी हैं मेरा भी जर्नैल है आपका भी है उन्होंने फौज को ऐसी जगह पर ला के खड़ा किया कि हिंदुस्तान जो है आई कैन एश्योर यू आई कैन टेल यू विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज वो दस दफ़ा सोचता है कि मैं एल या फलानी चीज़ जो है वो क्रॉस करूँ या ना करूँ और फौज के रिसोर्सिस इतने ज्यादा स्प्लिट होने के बावजूद फाटा में बलुचिस्तान में कराची में एल्सवेयर इंटरनली एल ओ सी पे वर्किंग बाउंड्री पे पानियों में फिर भी अगर जि जिस जिस वक्त हिंदुस्तान जो है वो वहां पे वायलेट करता है या कुछ करता है तो अल्हदुल्ला हमारे जो सिपाही हैं उनको सही जवाब देते हैं और ये ये कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पे आहसान नहीं है और जनरल शरीफ है मैं आपको ये एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ अपने सेगमेंट में कि हम जनरल राहल शरीफ के दौर के बहुत नजदीक रह रहे हैं जब आप जैसे लायक लोग उनका तजिया करेंगे आने वाले दिनों में तो उनकी इज्जत जैसे हम ईरान के में बहुत करीब रह रहे हैं ठीक है फ्रेंच रेवोल्यूशन दूर है उसके ऊपर बहुत किताबें लिखी जा चुकी है और राहल शरीफ को जब तारीख याद करेंगे जैसे जैसे तारीख याद करेगी पाकिस्तान का ये बेटा और चमकेगा ठीक है मैं साहब ये भी हकीकत है की जनरल के दौर में उनको थिंकिंग जनरल कहा जाता था उनके जो कसीदे छपते नहीं उन्होंने वो भी रिकॉर्ड किया जनरल जनरल क्या ने बहुत काम किया फौज जनरल जनरल क्या ने जनरल क्या के जाने के बाद जो कुछ कहा गया वो भी रिकॉर्ड नहीं वो, वो, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा चौधरी साहब जनरल राहीन शरीफ के दौर में जो सिविल मिलिट्री तालुकात रहे तीन साल के दौरान आप उनका कैसे अहाता करेंगे देखिए जी मैं ये समझता हूँ कि मैं ये बात बिल्कुल बिलाख तरदीद कहता हूँ कि मैं जनरल राहील शरीफ को की सर्विसज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं समझता हूँ कि जनरल राहल शरीफ ने पिछले ये तीन साल में मुल्क के लिए बहुत उनकी खदमांत हैं और उनकी भी और पाकिस्तान की तमाम सर्विसज़ की इसमें एयरफोर्स भी आती है नेवी भी आती है लेकिन चूंकि ज़्यादा किरदार आर्मी का है तो उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान को एक बहुत मुश्किल हालात से निकाला है और पाकिस्तान के हालात तीन साल पहले के हालात से बेहतर है बेतर ये मैं कहता हूँ कि एक शख्स अब जा रहा है तो इसके लिए ये कोई खुशामद नहीं होगी अगर आज मैं उनकी तारीफ करूँ कि तीन साल पहले जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात में था यह नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पर हम मुश्किल से निकल गए हैं लेकिन तीन साल में हमने बहुत सारी मुश्किल पर काबू पाया है और बहुत बेहतरी मुल्क के हालात में आई है और ये उन्होंने इज्जत जो कमाई है वो एक ऐसी आर्मी के सरबरा के तौर पर जिसके वो एक वाकई एक काबिल तहसील चीफ थे और पूरी आर्मी ने भी कुर्बानियां दी है कुछ आपने कहा तो क्या वजह है कि एक मुल्क का मुंतब वजीर अजम इतना लोगों की नज़र में उसका इतना इज्जत और एहतराम नहीं जितना राह शरीफ और एक आर्मी चीफ के लिए है क्या वजह है देखिए बात यह थी कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये सिस्टम मुख्तलिफ है क्योंकि एक पोलिटिशन जो होता है हमेशा कंट्रोवर्शल होता है उसकी एक अपोजिशन भी होती है उनके उनके मामलात को बहुत उनको क्रिटिकली किया जाता है एनालाइज किया जाता है उन पर क्रिटिसिज्म होता है और ये जमहूरियत की खूबी खूबियां देखिए ट्रंप अगर बने हैं उनके बन के साथ ही उनके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म शुरू हो गया तो ये इसको तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है कि को कोई कितना भी अच्छा एक पॉलिटिशियन होगा उस पर क्रिटिसिज्म होता है और होना चाहिए ताकि उसकी खूबियाँ और खामियाँ लोगों को जब कोई जनरल राहन शरीफ और नवाज शरीफ का मुजना करता है तो क्या ऐसे मुवाना करना चाहिए नहीं मेरे ख्याल नवाज शरीफ एक एक सियासी शख्सियत है जिसके लिए लिहाज से वो कंट्रोवर्शियल भी हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा है कोई उनकी अपोजिशन भी है कोई उनके हामी भी हैं मुल्क में मुल्क की मुख्त ख़्याल भी हैं लेकिन एक आर्मी चीफ़ को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिसके पीछे पूरी कॉम को खड़ा होना चाहिए कि वो क्योंकि उन्होंने इस मुल्क का अंदरूनी खतरा से भी बैरूनी खतरा से भी मुकाबला करना है और कोई आर्मी कौम की पूरी सपोर्ट के बग़ैर अपने फरजा अंजाम नहीं दे सकती जो कामयाबियां इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने हासिल की है मैं समझता हूँ उसकी इस एक वजह भी है कि पूरी कौम पूरी खुश दिली से आज अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है क्योंकि उन्होंने मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आज तीन साल के दौर में जो राह शरीफ है उन पर एक भी कोई करप्शन का या किसी किस्म का इल्जाम नहीं लग सका कल को कोई लगा दे तो मुझे बारे में आपने क्या कर लिया है नहीं नहीं मैं कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं ना हाँ। कि हमने कुछ नहीं कर सके इसलिए मैं कहता हूं अगर एक शख्स ने उसके बावजूद बहुत अच्छा करदार किया तो वो ज्यादा काबिलियत तो क्या ये हकीकत नहीं है कि बावजूद इसके कि जनरल राहि शरीफ पूरी तरह एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह अपने कामों पर फोकस थे दहशत के खिलाफ जंग लड़ इसके बावजूद जनरल मुशरफ को छोड़ने के लिए आप पर फिर किसका दबाव था मैं इनका ही था और मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात इनका था ये अफवाज पाकिस्तान का और जनरल राहि शरीफ साहब का भी

आर्टिकल सिक्स ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक मुजरम है कौमी मुजरम है जिसने दो दफ़ा आइन को तोड़ा है सुप्रीम कोर्ट के जज सिटिंग जजेस को uh, नजरबंद रखा अपनी फैमिलीज के साथ उसके uh, जराम की इतनी ज्यादा uh, उसकी uh, तवील फहरिस्त है

जो पाकिस्तान में अनहोनी नहीं है कि हम ये बदकिस्मत तो मैं, मैं समझता हूं कि अभी हम रूल ऑफ लॉ से बहुत दूर हैं अगर अगरचे हम उसकी तरफ जा रहे हैं हमारा रास्ता है अदा करें रूल ऑफ लॉ की मंजिल यहां पर आईन और कानून की हुक्मरानी हो अल्लाह करे अब चलते कर हम सब के के और कानून सामने बराबर अल्लाह करे कि हम हमारे कर अल्लाह करे करे करेगा अल्लाह जदोजा जदोज है अब वो रिटायर नहीं, 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 हो रहे अब आप क्या करें आर्मी चीफ था उनका जाती नहीं था आर्मी का ये देखिए या नहीं करेंगे ये मैं कहता हूँ ये दबाव है अच्छा यही भी है नहीं जैसे आपको पता है कि इस मुल्क में कोई उनके जाती इख्त नहीं थे जनरल हजीश शरीफ के और मियां नवाज शरीफ साहब के ये दो इंस्टीट्यूशंस की बात है कि किस मुल्क में किसने करनी करनी है किस करनी है तो थारे कर, थारे थारे कर, थारे कि, थारे किस इंस्टीट्यूशन ने तो आप में कोई हर्ज नहीं है ज्ञान चंदी चंद्र साहब ने बड़ी बात की बदकिस है कि शरफ के मामले पर जो था वो दबाव था तो अगर आपकी पार्टी ने तो पाँच साल इन्होंने कोशिश तो की लेकिन आपकी पार्टी ने तो वो कोशिश भी नहीं की तो क्या आपके दौर में भी कोई इस तरह का दबाव था बकौल ने चौधरी साहब के इंस्टीट्यूशन का दबाव तो क्या कैनी साहब की तरफ से दबाव था कि मुशरफ़ के खिलाफ ट्रायल नहीं करना देखें मैं तो ये कहता हूँ कि मुशरफ जो एक वर्दी बा वर्दी सदर थे पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स में उनको ना सिर्फ वर्दी से फारग बल्कि उनको सदारत से भी वारक करके चले हमारी आ गई आप छोड़ो नहीं, हमारी आ गई नहीं लेकिन एक इदारा है या उस इदारे के सरबराह की हैसियत में अगर वो नाजायज किसी जगह पे बैठा हुआ है और आप उसको बायफोर्स नहीं हटा सकते तो पोलिटिकली उसको हटाना भी जरूरी है अच्छा, मुझे सिंध में जो कुछ भी हुआ यकीनी तौर पे बहुत सिचुएशन बेहतर हुई कराची के जनरल राइल शेफ़ की उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मगर ऐसी कंट्रीब्यूशन के होते हुए फिर जन आसिफ अली जरदारी साहब को मुल्क छोड़ना क्यों पड़ा और अब वो राय शरीफ साहब के रिटायरमेंट के बाद आने का जो ऐलान कर रहे हैं ये क्या वजह है जब्दारी साहब तो खड़े होकर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए थे रायल शरीफ साहब के वो मुल्क छोड़ के क्यों जाके मुल्क से उनको छोड़ने को ना किसी ने जबरदस्ती भेजा ना वो अपनी मर्जी को से कोई प्रेशर नहीं था जनरल साहब कोई प्रेशर नहीं था किसी का वो तौर पे गए उनके हेल्थ के इश्यूज थे अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मैं आ, उन्होंने ऐलान किया है, में वो आएंगे, हो हो और इलेक्शन वो, तो वो उनके सब जो है मेडिकल इशूज ठीक हो जाते हैं <laughs> बाकी जहां तक राहल शरीफ पे की बात चल रही थी उनके शुक्रिया बल्कि जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा उनके शुक्रिया के बजाय उनके लिए फख्र लफ्ज़ ज़्यादा सूट करता है लेकिन उस उसके साथ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने और सिविल सोसाइटी ने भी जो दिखाया कि उनके पीछे खड़े हो गए और और ए जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान का जो बना तो ये उस पर अमल करने के वजह से उनको ये इज्जत मिली है, है और उनको उन पर फख्र करते हैं है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी में मेचोरिटी का रोल प्ले चीक चीक किया इस वजह से ये काफ़ी कामयाबियां हुई लेकिन जो एरियाज अभी रहती हैं वो मेरा ख्याल है आयदा जो जनरल आएगा उन पर सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस पर यह इल्ज़ाम है के नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वो सबसे बड़ी रिकावट खुद है, एक है नेशनल है। एक्शन प्लान पे जो अमल हो रहा है वो भी सिर्फ में ही सिंध में, सिंध में हो रहा है बाकी इलाकों में तो सिर्फ कभी नैब का नाम आ गया कभी एफ आई ए का नाम आ गया तो बड़ी चीखियां निकलना शुरू हुई और कहीं पर भी कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो उसकी अभी नैब पे मुकमल अमल करने के लिए मजदूर तेजी से अमल होगा इस पर मैं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट इनशाला आएगी और सिंध सिंध में पाकिस्तान में गवर्नमेंट आएगी अच्छा। और इस पे प्लान पे जो जो एरियाज़ एक, पे एक पे। हैं था वो जरूर एक सियासी किस्म का दबाव आया आर्मी जनरल राइज शीफ की तरफ से बल्कि इधारे की तरफ से जनरल मुशरफ के ट्रायल के हवाले से क्या ये मुमकिन है और क्या किसी सियासी हुकूमत को ऐसा दबाव कबूल करना चाहिए आपका तज्ज़िया क्या कहता है देखिए पाकिस्तान की तारीख हटी पड़ी है कि यहाँ पर जो सदूर होते हैं या वज़ी अजम होते हैं या और लोग होते हैं या किसी पार्टी के पोलिटिकल पार्टी के सरबरा होते हैं या किसी इदारे के होते हैं वो बाहर चले जाते हैं किसी न किसी दबाव के तहत और फिर वापस एक ख़ास मौका होता है वो आते हैं वो अशवानी बाहर चला गया जब तक जरदारी इधर से जरदारी बाहर चला गया अशवानी वापस आ गया तो ये कोई इस मुल्क में अनोनी बात नहीं है और ये बड़ी गंभीर और ये बड़ी बदकस्मती से ये हमारी तारीख ऐसी है क्योंकि ये लोग ये लोग फिर बाहर चले जाते हैं इनको पाकिस्तान का सारा कुछ पता होता है इनका इन्फ्लुएंस होता है बाहर जाके एम आई सिक्स से सी आई ए से गोरों से यूरोपियन यूनियन डीलिंग करते हैं ये पॉलिटिशियन और, और लोग और फिर वहां पॉलिटिशन करते हैं <S. नहीं हर कोई करता होगा मैं आ, ये नहीं कहता लेकिन मैं जो करता हूँ ये है कि हमारे मुल्क के लिए ये ये हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सेहत और वेल वेलबींग के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लोग यहाँ से बाहर चले जाते लोग हैं लोग दबाव में आके यहाँ पे हुसैन हुन कहानी आया हाँ। उसको आपने वजीर अजम हाउस में रख लिया ताकि उसको पुलिस अरेस्ट ना करे वो मेमोगेट करके आया सी आई ए के साथ और वो भाग गया और वो जाके उधर कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब में जो है वो देखें क्या करें तो ये किसी एक आदमी को आप सिंगल आउट ना करें ये पाकिस्तान के हक में नहीं रहा तारीख में के लोग जनरल अहिल को बाहर जाने की कोई जरूरत है जी और कई लोग हैं पाकिस्तान के ऐसे लोग पॉलिटिशियन जिनको नहीं है नहीं भागे वो। तो जन्रुम शर्ण, जन्रुम शर्ण को कोर्ट में अपेयर होके उनको फेस करना चाहिए पहले भी मैंने इसी जगह पर बैठ के आपको याद होगा बड़ा आदमी होता है ना जी जितना बड़ा आदमी होता है वो कोर्ट में जाके

जिस किसी किसी पे भी दबाव होता है ना तो फिर अगर वो माई का लाल है तो उसको दबाव कबूल नहीं करना चाहिए बस नहीं उसको के के पासदारी के तो के। अगर माई आपने की पासदारी मुकदमा भी दर्ज किया है तो फिर दबाव क्यों कबूल किया बिल्कुल सही है आप जो वर्जी कह सकते हैं लेकिन मैं एक बात कूंगा साइंस के एक्सपूर्ट भी था कॉलेज तो उसमें हमें एक फ़िकरा पढ़ाया जाता था कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल अगर ये चीज़ अब मुमकिन नहीं है क्या ये हो सकता है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में कोई कभी कहे कि जी मैं बीमार हूँ और बाहर जाके नाचना गाना शुरू कर दे और वहाँ जाके वो वो इस मुल्क का प्रेसिडेंट भी रहा है और आर्मी चीफ भी रहा है अभी तो आप कहते दबाव की वजह से नहीं नहीं वही यही बात है ना दबाव की वजह से जब उसको अदालत में पेश होने के लिए कहा तो सी एम एच में दाखिल दाखिल हो जाता था क्यों सी एम एच में दाखिल होता था वहाँ के कंट्रोल में नहीं नहीं है है ना फिर यही तो बात है मैं ये बताएं कि क्या किसी और अस्पताल में भी दाखिल होता है किस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो मेडिकल रिपोर्ट कहती थे इसका इलाज ही पाकिस्तान

और ये मशीक पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उस वक्त जो आर्मी की थी जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन इकतदार छोड़ा और फिर एक सियासी शख्सियत को जहाँ पर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया उससे ज़्यादा आर्मी की पोजीशन कमज़ोर कभी भी नहीं थी उस वक्त भी जो हमदर कमीशन की रिपोर्ट थी वो शायद नहीं होने दी गई और जो उनकी रिकमेंडेशन से उस पर अमल नहीं होने दिया गया ये किसका दबाव था कि ये रिपोर्ट शायद ना हो और ये जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि इन जरनेलों जर्नैलों के खिलाफ एक्शन हो वो भुट्टो साहब

नहीं देखें आप तो म, मैं आपको बाहर बैठे हुए जो कुछ कर रहे थे हाँ। ये सारी दुनिया को पता है और जो उस वक्त यहाँ पर उनके साथी जर्नैल थे ये सबको पता है कि वो इसमें मुलव थे लेकिन उसके बावजूद जब जावेद हाशमी साहब ने टीवी पे आके पूरी कौम के सामने खड़ा होकर कह दिया कंटेनर पे कि मुझे इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मेरे साथ हैं और मैं, मैं, देखिए एक मिनट जी मुझे बात करने दे मेरा मौका बात यह है जी कि जुवेद हाशमी साहब ने यह भी कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि शेख रशीद के आप मु कहा करते थे कि मैं उसको चपरासी रखने के लिए भी तैयार नहीं हूं अपने पास और तुम आप पिंडी में जाके उसको सपोर्ट कर रहे हो और उसके साथ उसने कहा मेरे पास इनका दबाव है ये जावेद जावेद आशमी आशमी साहब का बयान है टीवी पर सामने आया हुआ आपने भी जो है ना सर फेंक के अपनी मुद्दत पूरी सर फेंक के नहीं किया कोशिश बहुत की है और अगर आप सियासी माइलेज या पॉलिटिकल माइलेज बनाना चाहते हैं ना किसी चीज को और अपनी कमजोरी को किसी और के टोकरे में डालना चाहते हैं तो वो और बात है इमरान खान साहब एक ऐसा रहनुमा है जिसकी लोग बात मानते ही हैज़ अ वोट बैंक ही इज़ अ पॉपुलर लीडर उसने धरना दिया 122 या 130 दिन 127 दिन धरना था मेरे ख्याल में और रोज़ाना जो है वो पूरा डी चौक जो है वो भरा होता था उन सब जनरल पाशा लाता था इतने महीने उन को शमी एक एक ने अगर ये कहना था ये कौन सा पोलिटिकल गेमे कह के आप बाहर निकल के जब आपको कोई पार्टी से निकाल दे तो आप इंटरव्यू देना शुरू कर दे फाइव और ब्लेम जो है करना शुरू कर दे बहुत बड़ा हूँ और इमरान खान ने यह किया वो किया ये सब जो है ना इसको छोड़े आप इमरान खान साहब की जो डिमांड है दो डिमांड है पहले उनकी कि जो तेरह के इलेक्शन पीटीआई के के पे बात कर रहे हैं मैं पीटीआई की से बिल्कुल बात करूंगा क्योंकि पीटीआई इस मामले में बिल्कुल सच्ची है और आपके मैं खुद पीटीआई मैं बारह साल से पीटीआई में हूँ और मुझे इसकी फकर बताना था नहीं अंदरूनी बात नहीं है ये 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 कोई ढपी छुपी बात नहीं है वो ये कहते थे कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है वो ये कहते हैं कि जी आपने पैसे बात आपने फ्लैट खरीदे

कुछ लोगों के मुताबिक इशारे करते हैं है? है। वो मुनासिब हैं वो अंपायर की जो बात करते हैं मिठाई बांटने की बात करते हैं मार्शाला आया तो मुशरफ का बेहतर था दौर नवाज शरीफ से इस तरह के इशारे जो यार है आप तो, आप तो वैसे बात कर रहे हैं ना हाँ। कि पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते नाले आंख नाले इशारा कर गई ऐसी कौन सा इशारा ऐसी कोई बात आ, है वो पॉपुलर लीडर है भाई वो कॉल देता है और खास अभी उन्होंने उन्होंने जो उन्होंने जो दो तारीख में, में लाया ऐसा आई एस आई का अफसर है ठीक है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को लाखों बंदे परेड ग्राउंड में बारह घंटे के नोटिस पे जमा करके दे दे गिला यही है की शायद लाखों ने गिला ये है की जी वो पाशा करके फलाना क्या बात आपका साहब आज हम जमा हुए थे शरीफ पस... साहब को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, नहीं बिल्कुल वो तो आप नहीं, नहीं की बात नहीं नहीं है करना हम उनके दौर का रहे हैं आप इसकी तरफ आए लेकिन देखिए दुनिया की तारीख में जब कौमियों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना ठीक है तो उनको अपने हीरो पीस टाइम के हीरो ज़्यादा अच्छे ही बिल्कुल ठीक है मैं आपकी तरफ आऊँगा मुझे ये बताएं कि अब आसफ़ जरदारी साहब वापस आ ही रहे हैं तो वो सिंध के अंदर ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जो फौज की नई की आदत है वो शायद रही शाह शरीफ साहब से ज़रा मुख्तलफ सोच रखेगी सिंध के हवाले से और आपकी हवाले से पार्टी के हवाले देखिए मैं तो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं तो वो आएंगे सिंध में तो हमारी हुकूमत है पहले भी उनका वहाँ पे पॉलिसीज हैं इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे माशाल्लाह जबरदस्त आपके करने में आर्मी चीफ की नई सोच होगी देखिए मैं तो ये के मैं, से, कराची के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो नया आर्मी चीफ आए वो मुकमल तौर पर नैप पे अमल करे वो कराची हो, हो पेशावर हो या कहीं के के हो दह के खिलाफ जंग वक्त वो, वो खत्म हो गया हर चीज का वक्त खत्म हो जाता <laughs> है चौधरी ठीक है बहुत शुक्रिया और अपने अपने वक्त पे सबको जाना है मतियला जान की तरफ से इजाजत अल्लाह हाफि